प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सिक्स की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि भोजन क्या होता है। बच्चों, जो खाना हम खाते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी या हम दूध पीते हैं, तो ये सब भोजन कहलाता है। तो सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि आज आपने घर में क्या खाया था, और ये भी पता लगाना है कि आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया था। तो बच्चों, जो खाना आपने कल खाया था, क्या वैसा ही खाना आपने आज खाया है? नहीं खाया ना, क्योंकि हम दिन भर में अलग अलग खाना खाते हैं। जो हमने कल खा लिया वो हम आज नहीं खाएंगे। तो हम मम्मी को बोलते हैं ना कि मम्मी, हमने ये कल खाया था, आज नहीं खाएंगे, हमें कुछ नया बना के दो। तो हम दिन भर में अलग अलग खाना खाते हैं। तो हमें बताना है कि क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। बच्चों, आहार होता है भोजन जो हम खाना खाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग टाइम में हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। तो बच्चों, ये हमारी एक्टिविटी फर्स्ट है, विभिन्न खाद्य पदार्थ। सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यालय में, स्कूल में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करनी है। खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, जो वो पूरे दिन में खाते हैं। तो हमें पता लगाना है कि हमारे दोस्त पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों, तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके दोस्त हैं जो आपके साथ नहीं रहते हैं, वो अलग राज्य में रहते हैं, जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि अलग 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 राज्यों का जो खाना है वो सबका अलग अलग होता है, तो आपको क्या करना है, पता करके एक सारणी बनानी है और उसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, ये सारणी है, आपको फिल करनी है। आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, आपकी बुक में भी दी हुई है, वहां पर भी आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है, ठीक है, और ये भी बताना है कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाना खाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे आपके दोस्त का नाम है, मान लो अमित है, तो आपको लिखना है अमित। अगर आपके दोस्त का नाम अलग है, तो आप उसका नाम यहाँ चेंज कर सकते हैं। अब वो पूरे दिन में क्या खाता है, जैसे वो रोटी, चावल, ठीक है, दाल खाता है या दूध पीता है, तो ये आपको पता करना है और अपनी सारणी में फिल करना है। आपके दूसरे दोस्त का नाम है, मान लो गौरव है, तो आपको उससे भी पूछना है कि वो क्या खाता है। अगर आपके यहाँ पर, तो आपको तीन फ्रेंड के नाम लिखने हैं। अगर आपके फ्रेंड और है, तो आप अपनी कॉपी में ये सारणी को बड़ा करके भी लिख सकती हैं। तो बच्चों, जैसे वो सब्जी खाता है, दाल खाता है, दूध पीता है, जो जो वो खाता है हमें इसमें फिल करना है। मान लो आपके दोस्त का नाम है पूजा, वो क्या खाती है? अगर वो शाकाहारी है, तो वो पेड़ पौधों से जो हमें खाना मिलता है वो हमें लिखना है। अगर वो मांसाहारी है, तो कुछ लोग मांस वगैरह भी खाते हैं ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, चावल लिख देते हैं, पनीर लिख देते हैं, खाने को बहुत चीजें होती है बच्चों। तो आप चित्र में देख सकते हो बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे इडली है, मछली है, ठीक है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं ना बच्चों हम। तो खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं,
तो अब जब मम्मी आपकी चावल बनाती है तो आप पके हुए चावल खाते हो, तो बच्चों ये बताना है कि ये चावल बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें कच्चे चावल लेने होते हैं, फिर हम उसे उबालते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए, चावल को बनाने के लिए हमें दो पदार्थों की यानी दो संघटकों की आवश्यकता होती है। चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए कच्चे और पानी चाहिए। अगर आप इसमें मसाला डाल के खाते हैं, जैसे तेल डालते हैं, नमक मिर्च डालते हैं, तो वो भी हमें बताना होता है। तो दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप उबले हुए चावल खाते हो तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, कच्चा चावल और पानी चाहिए। अगर आप चावल नमकीन खाते हैं, उनमें मसाला डाल के खाते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पदार्थ या संघटक होता है बच्चों साधन। ठीक है, तो हमें इसके लिए बहुत सारे संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है जो हमने सारणी 1.1 में फिल की थी। हमें उन खाद्य पदार्थों को ढूंढना है, उन खाने की चीज़ों को ढूंढना है। ठीक है, और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो हमने 1.1 में ये पता किया था कि हमारे दोस्त क्या खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल खाते हैं। तो ठीक है, तो इन चीज़ों को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो इनको सारणी 1.2 में हमें फिल करना है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में देखिए, वहाँ एक सारणी बनी हुई है, खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री 1.2 में, कि रोटी या चपाती बनाने के लिए हमें क्या क्या साधन चाहिए, कच्ची सामग्री क्या चाहिए। तो रोटी चपाती बनाने के लिए हमें एक तो आटा चाहिए, दूसरा जल चाहिए। तो रोटी बनाने के लिए पहले आटे को हमें गूंदना पड़ता है, तो पानी से हम गूंदते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब दाल, दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए यानी पानी चाहिए, नमक, तेल, घी और मसाले चाहिए होते हैं। तो एक हम इसमें फिल कर लेते हैं बच्चों, जैसे चावल या पुलाव। तो चावल या पुलाव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कच्चे चावल चाहिए, पानी, नमक, और पुलाव बनाते हैं तो बच्चों हम उसमें मटर भी डालते हैं, अगर आप आलू डालते हैं, प्याज डालते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए सलाद, तो सलाद के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गाजर, खीरा, मूली, प्याज, टमाटर। तो ये आप अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइएगा, बाकी चीज़ों को आप खुद भी पता करके लिख सकती हैं कि बर्फी कैसे बनती है, हलवा कैसे बनता है, हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो आप अपनी मम्मी से पता कीजिएगा और अपनी नोटबुक में सारणी में लिखिएगा। तो हमने क्या देखा, तो आपको क्या करना है, कक्षा में चर्चा करनी है कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, तो ये संघटक जो साधन है जिनसे हम खाना बनाते हैं, तो वो संघटक कहाँ से आते हैं। तो 1.2 में देखिए, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, स्रोत का अर्थ होता है बच्चों साधन। ठीक है, तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है कि यह कहाँ से आता है। तो हमें पता है कि फल सब्जी कहाँ से आती है, खेत से आती है ना, तो निश्चित रूप से पौधों से आती है, पेड़ पौधों से मिलती है हमें। तो गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, गेहूं और चावल कहाँ से आते हैं, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। तो बच्चों आपने खेत में देखा होगा कि गेहूं की फसल या जैसे चावल की फसल पूरे खेत में एक जैसी दिखाई देती है, तो उनकी लाइन लगी होती है, पंक्तियाँ होती हैं। तो
तो इनमें हमें इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है, अनाज मिलता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो अनाज है, फल फ्रूट है, वो तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन दूध, अंडा, मुर्गा, मछली ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक्टिविटी थर्ड है बच्चों, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है बच्चों, स्रोत का अर्थ होता है साधन। जिस तरह से आपको पढ़ने के लिए कुछ ना कोई साधन चाहिए ना, पढ़ने के लिए हमें कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, ठीक है, ये स्रोत होते हैं पढ़ाई के। तो इसी तरह से खाने के भी स्रोत होते हैं। तो सारणी 1.3 में दिए गए कुछ उदाहरण, सारणी 1.3 में दिए गए हैं कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ने हैं हमें, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप ये चित्र देख सकते हो बच्चों, ये फसल है, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ये पंक्तियों में होती है, लाइन में लगी होती है। तो बच्चों ये जब फसल पक जाती है तो इसे खेत से ले जाकर गोदामों में रखा जाता है। तो आप चित्र देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे फ्रूट दे रखे हैं, सब्जी दे रखी है और मुर्गी का चित्र दिखाया गया, मुर्गी अंडे दे रही है। तो ये सारणी है जो हमें पूरी करनी है। तो खाद्य मद जो हम खाते हैं, ठीक है, कच्ची सामग्री, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी खाना बनाने के लिए हमें कच्चा सामान चाहिए होता है, और स्रोत मतलब ये जो कच्चा सामान है वो हमें कहाँ से मिलता है, जैसे इडली। तो इडली किससे बनती है, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल से मिलती है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो चावल हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से, यानी पादप, तो पौधों को पादप भी कहते हैं। तो बच्चों ठीक है, पौधों को पादप भी कहते हैं। अब उड़द की दाल हमें कहाँ से मिलती है, उड़द की दाल भी हमें पौधों से मिलती है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे पौधा और पादप, ठीक है, हो सकता है कहीं पर पौधा ना लिखा हो, पादप लिखा हो, तो आप समझ जाएगा इसको पौधा ही कहते हैं। नमक, नमक हमें कहाँ से मिलता है, समुद्री जल से, समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, ठीक है, तो समुद्री जल को सुखाकर उससे हम नमक प्राप्त करते हैं। तो जल कहाँ से मिलता है हमें, नल या हैंडपंप से। अब हम देखेंगे कि चिकन करी किससे बनती है। तो चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए, मसाले चाहिए, तेल घी चाहिए और जल चाहिए। तो चिकन कहाँ से मिलता है हमें, जंतुओं से मिलता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से, यानी पादप से। तेल घी हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से और जंतु से। और जल कहाँ से मिलता है, नल या हैंडपंप से। अब खीर, खीर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, दूध, चावल, चीनी चाहिए। तो दूध हमें किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है ना, गायें भैंस से। और चावल हमें पौधों से मिलता है, और चीनी कहाँ से मिलती है, ये भी पौधों से मिलती है हमें। तो चीनी बनती है बच्चों गन्ना से, और गन्ना क्या है, एक पौधा है। अब दाल, एक मैं बच्चों आपको और एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दाल, तो दाल बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, कच्ची दाल चाहिए और तेल घी चाहिए और मसाले चाहिए, ठीक है। कई लोग तेल में सब्जी बनाते हैं, तो कई घी में बनाते हैं, और मसाले। तो कच्ची दाल हमें मिलती है बच्चों पौधों से, यानी पादपों से। तेल तो बच्चों हमें मिलता है पौधों से, ठीक है, लेकिन घी हमें मिलता है जंतुओं से। तो दूध से घी बनाते हैं ना, तो दूध हमें जंतुओं से मिलता है।
और मसाले हमें पौधों से मिलते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़कर रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।